अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर मैथ सीरीज 3 पेज नंबर 56। टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ हाफ पास्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉक। इट हैज टू हैंड्स। It has two hands. One hand is short and one hand is long. Short hand किसको शो करता है? Hours को। और long hand किसको शो करता है? Half past को। Okay students? Short hand इसका किस तरफ है? 7 की तरफ। And long hand किस तरफ है? 6 की तरफ। तो क्या time शो रहा है यहाँ पर? Half past seven. अब ये देखें, दोनों हैंड शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड, दोनों हैंड 6 की तरफ हैं। तो क्या टाइम शो कर रहे हैं यहां पर? Half past six. अब देखें, शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 4 की तरफ। शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 4 की तरफ। एंड लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। तो क्या टाइम शो कर रहे हैं? Half past four. अब इधर देखें, शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 3 की तरफ। शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 3 की तरफ। एंड लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। तो क्या टाइम शो कर रहे हैं? Half past three. अब देखिए, शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 1 की तरफ। शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 1 की तरफ। एंड लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। तो क्या टाइम शो करें यहां पर? Half past one. यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है, 1:00 आधा घंटा गुजर चुका है। क्या टाइम हो गया है? Half past one. इधर देखिए, क्लॉक के कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स। इट हैज 2 हैंड्स। वन हैंड इज लॉन्ग एंड वन हैंड इज शॉर्ट। लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। एंड शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 7 की तरफ। शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 7 की तरफ। तो क्या टाइम हुआ है? Half past seven. अब हम बुक से करेंगे। हाउ मेनी आइकन्स इन दिस पेज? 1। व्हाट इज द आइकन से? रीड। शॉर्ट हैंड किस तरफ है? 7 की तरफ। लॉन्ग हैंड किस तरफ है? 6 की तरफ। तो क्या टाइम शो कर रहे हैं यहां पर? Half past seven. अगर शॉर्ट हैंड हमारा 8 पे होता और लॉन्ग हैंड 6 की तरफ, तो क्या टाइम शो होता था? Half past eight. अगर शॉर्ट हैंड 9 की तरफ हो एंड लॉन्ग हैंड 6 की तरफ हो, तो क्या टाइम होगा? Half past nine. लॉन्ग हैंड किसको शो करता है? हाफ पास्ट को। किसको शो करता है? हाफ पास्ट को। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये पेज घर में अच्छे तरीके से रीड करना है।